ऐसा निरस्त कर दिए गए हैं जिसके बाद ग्रीन पटाखे भी नहीं जलाए जा सकेंगे। आपको बता दें कि दिवाली पर पटाखों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगने के बाद दुकानों के लिए जारी हुए अस्थायी लाइसेंस भी जिला प्रशासन ने निरस्त कर दिए। जिन आवेदकों ने चालान से अस्थायी लाइसेंस फीस जमा की वो उन्हें अब वापस की जाएंगी। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि ग्रीन पटाखे भी नहीं चलाने दिए जाएंगे और साथ ही आतिशबाजी करने पर NGT ने 10,000 का जुर्माना तय किया। जो है 9 तारीख को जो आदेश आया था NGT का, उसमें जो है आगरा जनपद जो वेरी पुअर क्वालिटी इंडेक्स में जो है उसको जो है चिन्हित किया गया है और उसके दस्तखत ये पूर्णतया जो है पटाखों की बिक्री पर, उसके निर्माण पर, उसके चलाने पर, प्रयोग पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिसके क्रम पे जनपद आगरा में इस दिवाली में पटाखा पर पूर्णतया प्रतिबंध लागू रहेगा। किस तरह से रहेगा सर, अगर जो आपने सर अस्थाई जो पटाखा बाजार है उसको भी पूरी तरह से बैन कर दिया है, इसके साथ ही आपने किसी इको फ्रेंडली ग्रीन क्रैकर्स को भी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है, अगर पटाखा चलाने के लिए NTA द्वारा मना कर दिया गया है कि पटाखा बाजार नहीं लगेगा, लेकिन हम लोगों ने पटाखे के लिए दुकान का आवंटन मिल गया, हमको लाइसेंस के लिए पैसा जमा हो गया, हम लोगों ने पैसे का माल के लिए बुकिंग कर दी हमने, उसके बाद पटाखा चलाने के लिए मना कर दिया गया, पटाखा ना चलेगा ना बिकेगा। अगर यही बात हमें जैसे राजस्थान के अंदर 15 दिन पहले 20 दिन पहले घोषणा हो चुकी थी कि पटाखा नहीं चलेगा तो पटाखा नहीं खरीदा दुकान, दिल्ली में पहले से घोषणा थी नहीं चलेगा, ऐसे तो हरियाणा में भी घोषणा थी नहीं चले, लेकिन हरियाणा 2 घंटे के लिए खोल दिया गया तो हरियाणा में पटाखा चलेगा, MP में ही मना थी MP में पटाखा खोल दिया गया,